सऊदी अरब में हमको काम करते हुए 10 साल हो गया। इधर हमारा ज्वाइनिंग 2012 का है। अच्छा तो इतना दिन से आप काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सऊदी अरब कैसा लग रहा है? सऊदी अरब वर्ल्ड कंट्री तो मिला जुला के सब सेम है। अब अगर जो हम लोग काम कर रहे हैं तो काम के हिसाब से आप किस तरह से देखेंगे? हम तो काम करने के लिए आए हैं, तो हम लोग तो एक प्रवासी हैं। और प्रवासी हैं। अच्छा, ड्यूटी करते हैं आराम से, उसके बाद अपना रूम पे है तो टाइमली है, 12 घंटा ड्यूटी है और उसके बाद जो है ओनली 12 घंटा ड्यूटी, उसके बाद छुट्टी उट्टी छुट्टी का फ्राइडे को छुट्टी मिलता है और साल में 21 डेज का जो है वेकेशन मिलता है। वेकेशन मिलता है। अच्छा, ये ड्राइवर लाइफ जो है यहाँ का सऊदी का वो कैसा है ये बताइए? अब ड्राइवर का तो हर कंपनी का अलग अलग नियम है। मान लीजिए कुछ कंपनी का अलग प्रोसीजर है कि जैसे मान लीजिए कि जो उसका मुखालफा कटेगा, रेड लाइट अगर जंप कर रहे हैं मुखालफा कटेगा तो ड्राइवर को भरना पड़ेगा। अच्छा, कुछ कंपनी ऐसी है कि जो मुखालफा कटेगा यानी टोटल जो है कंपनी खुद तय करती है। तय करती है। और यहाँ पर जैसे रोड पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ता है? जैसे रोड का जो इसका जो ट्रैफिक का इसका गाइडलाइन है उसको आपको फॉलो करना है। तो कुछ ऐसा गाइडलाइन बताइए जो कि नॉर्मल हो कि हर रोज फॉलो करना पड़ता है। फॉलो तो करना है ना। अगर जो मान लीजिए आपका 6 लेंथ का रोड है, अगर एक साइड का 3 लेंथ हो रहा है तो 3 लेंथ में गाड़ी बटी हुई है, किस लेंथ में बड़ी गाड़ी जाएगी, किस लेंथ में जो है मीडियम ग्रेड की जाएगी और किस लाइन में छोटी गाड़ी जाएगी, तो अगर उसमें आप उल्लंघन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जुर्माना कटेगा। जब मान लीजिए लाइन सेपरेट बनाया गया है कि इस लाइन में बड़ी गाड़ी चलेगी और उसके बाद भी आप छोटी वाली लाइन में जा रहे हैं तो आपका मुखालफा तो बनेगा। और स्पीड का क्या नियम है यहाँ पे? स्पीड का लिमिट है, ये रोड का एक सब रोड का सेम नहीं है। सिटी से आप बाहर जाएंगे तो बड़ी गाड़ी का 80 का लिमिट है, सिटी के रेंज में अगर सिटी के अगल बगल चल रहे हैं तो उसमें 50 का लिमिट है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह का स्पीड का लिमिट सेम है। रोड के हिसाब से है जैसे? अब रोड का हिसाब से तो अगर ये वाला रोड देखेंगे तो ये बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी का लिमिट 50 का स्पीड है। 50 से ऊपर जाएंगे तो आपको कैमरा मारेगा, उस पर सऊदी का 150 रियाल का आपका जो है फाइन आएगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए नया आदमी जो अपने देश में इंडिया नेपाल चाहे कहीं भी वो आना चाहता है तो उसके लिए मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत तो है नहीं, आ सकता है आराम से? किस लाइन से आएगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर जो ड्राइविंग में आएगा तो वहाँ आने के बाद फिर उसको जाएगा, वो स्टूडियो में जाएगा, वहाँ ट्रेनिंग देगा, पास होगा, उसके बाद उसको लाइसेंस मिलेगा तब उसको गाड़ी मिलेगी। अब वो कौन से लाइन से आना चाहता है, जिस लाइन से आएगा उस लाइन से वो इंटरव्यू देगा, पास होगा, उसके हिसाब से उसको मार्क मिलेगा, हाँ भाई इतना मार्क आदमी है। इसमें जैसे मान लीजिए ड्राइवर तो 2 लाइन में आते हैं, एक कंपनी लाइन में आते हैं और दूसरा ये जो मतलब अपना कफिल बुलाते हैं ड्राइवर, अपना पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल गाड़ी जैसे कंपनी का अलग हुआ और जो कफिल बुलाते हैं वो हाउस ड्राइविंग हो गया। अगर जो कंपनी बड़ा गाड़ी के लिए बुला रहा है ड्राइवर को तो वो भी कंपनी थ्रू जाएगा, इसके लिए उसके पास मान लीजिए 20 गाड़ियां हैं तो ये भी एक छोटी कंपनी होगी। जो हाउस ड्राइवर में आ रहा है पर्सनल घर का जो है छोटी गाड़ी चलाने के लिए उसका हिसाब किताब अलग है, कंपनी का जो बड़ी गाड़ी चला रहा है उसमें उसका हिसाब किताब अलग है। किस लाइन से वो अगला आ रहा है वो तो उसके ऊपर वो है कि हाँ किस लाइन से आ रहा है। अच्छा, ड्राइवर का मिनिमम से सैलरी और मैक्सिमम सैलरी कितना है सऊदी अरब में, कुछ आइडिया है? तो आइडिया है तो मान लीजिए उसमें नया और पुराना, अभी जो नया आदमी आएगा अब उसमें मान लीजिए कि इस समय बेरोजगारी का टाइम है, अभी तो आदमी 1800-2000 रियाल को आ जा रहा है ड्राइविंग, लेकिन अगर जो लिमिट कहा जाए तो बड़ा गाड़ी का कम से कम 2500 रियाल सैलरी चाहिए बेसिक सैलरी, प्लस उसका मान लीजिए ट्रिप है, कितना ट्रिप मार रहा है, कहाँ से कितना ट्रिप ले रहा है, ट्रिप तो मान लीजिए वो अलग से मिल रहा है। तो ट्रिप वाला तो ट्रक वालों को मिलता है ना, ट्रक ठेला जो है उसका ट्रिप चलता है, बाकी जो अदर मान लीजिए जैसे बस हुआ तो हम लोगों का ड्यूटी क्या है, सुबह में है और शाम में है बस यही तो ड्यूटी है। बहुत ऐसी कंपनी है कि जो बस ड्राइवर अपना वर्कर को साइड पे छोड़ दिया, रूम पे आ गया। अब कुछ कंपनी ऐसी है कि भाई तुम बस खड़ा करो, दिन भर कंपनी में रहो, कोई छोटा मोटा काम पड़ेगा तो तुमको छोटी गाड़ी से जाना पड़ेगा, ये सामान नहीं था। मतलब बीच में काम कुछ आएगा तो वो देते रहेगा, तो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, इंडिया में तो स्टीयरिंग इस साइड होता है और यहाँ सऊदी में स्टीयरिंग अलग साइड में है, तो कोई दिक्कत हो सकता है मतलब नए नए में आने? जैसे दिक्कत होता है, जैसे मान लीजिए जो आदमी इंडिया में गाड़ी चला रहा है वो जो है आदमी लेफ्ट जैसे लेफ्ट हैंड से वो गियर लगाता है, यहाँ है जैसे उल्टा है, राइट से लगाता है, तो थोड़ा उसको एक महीना चाहे 15 दिन
थोड़ा उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। मान लीजिए वो सीधा पोजीशन हो गया ना, उल्टा हो गया, इसमें कोई ज्यादा वो तो अब तक नहीं है, आपको हमारे देखने के हिसाब से कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो आदमी ये करता है, वो पकड़ कर तो हम बस एक ही बात कहेंगे कि भाई कोई भी आदमी आओ कंपनी में आओ, रजिस्ट्रेशन जो कंपनी है उस कंपनी में आओ, उसमें क्या है उसमें आपका कोई फ्रॉड चाहे कोई भी चीज नहीं होती है। कंपनी जो है पूरा रजिस्ट्रेशन होती है और उसका जो काम होगा सिस्टम से होगा, ऑफिस द्वारा होगा, उसमें वो नहीं है। मान लीजिए कोई आपको वीजा दिया, यहाँ से वीजा किस हिसाब का दिया, वो आदमी आया यहाँ फंस गया, फिर वो कौन आदमी दिया, कहाँ का दिया, क्या होगा, वो अगला बेचारा 1,00,000 रुपया कर्ज लेके आया, फिर यहाँ फंस गया। कहने का मतलब सिंपल है कि रजिस्टर्ड कंपनी से आओ और रजिस्टर्ड ऑफिस के माध्यम से आओ। नहीं आइए तो कंपनी में आइए, कंपनी में आपको धोखाधड़ी नहीं होगा ना, उसमें आप कंपनी अभी तो मान लीजिए सर्च मार के आप साइड भी देख सकते हैं कंपनी क्या है नहीं है, कंपनी के पास कितना मेन पावर है, वो कंपनी है कहाँ, कंपनी कितना साइड पर काम करा रही है, वो तो सब मालूम हो जाएगा। चलिए यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।